कंबल साइड कर दो, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। तो बच्ची का क्या नाम है? कविता शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ती है? बारहवीं। बारहवीं कक्षा में। तो आपको कब पता चला कि लड़की को लड़की बीमार हो गई है? जब आप एक त्रै त्रै चालीस सन। तो क्या फ़ोन करके बोला गया? फोन करता बोला इसने जे भाई बच्ची स्कूल बीमार हुई है, तो मैं हो सकना कोई सर्दी सर्दी पेगी वह सवेरे नहाई तो जाने बच्चे। तो फिर मैं दौड़ता आ गई तो गड्डी कौन लगी, फिर एक गड्डी लगी है तो उसी बैठी हूँ। तो फिर स्कूल आ गई तो स्कूल आने चटियाड़ खड़े ने, तो चटियाड़ आ गई तो चटियाड़ ही सारा बेहोश। उसलै फिर मोहल्ला सूच रखने सन देने, तो फिर मैं इधर आई गई। कुड़ी पता ही नहीं था इत्थे थोड़ी एह नक्के बई ने दवाई, तो इत्थे थोड़ी होश आई इसते इसके पिछले कल गल कोई गल। बच्चे में इतनी देरी बच्चे गेट से स्कूलों आहो तो मैं रस्ते जो लगे उन्होंने मैं पूछा ना इे गल हुई है मैडम मारे आड़ी मैडम ये जी ना लाई नहीं है पता ना नीता ना क्या ना उसी पता उसी फिर मेरी नहीं पता कोई। तो लड़की का कहना है कि पहले भी मुझे मैडम ने पीटा था, मैं पहले काफ़ी बच्चे ही मारी रही है। आपको इस बच्चे ने तो मारने रहने बड़े होने मतलब मारी छोड़ने का कोई फर्क नहीं पैना, ये गल थोड़ी है कि मतलब सिरों मारी छोड़ने बच्चे की। आप डीसी रजौरी से क्या फील करेंगे? बार जड़ा करेला उसी बिल्कुल अखी को नहीं लगना जड़ी गल है, तो मैं बड़ी मुश्किल अपने इस लाती से बच्चे में पाले ने तो मैडम सरकारी स्कूलों तो नहीं इतना जो आखने जे तुम बच्चे की मारो समझाना होना कि मारना होना। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। हाँ। तो पति आपके क्या करते हैं? कुछ नहीं करने, वो कोई मजदूरी भी नहीं कर सकने क्या? हाँ नजर को एक बच्ची को मारा गया है जिस तरह से बच्ची ने आरोप लगाया कि मैं खेल रही थी और